स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग टूडे सॉलिड स्टेट्स पार्ट 7. ओके, नाउ इन दिस वी विल डिस्कस क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस. क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस. ओके बेटा, ये बेटा मैं आपको आपके नोट्स से बताऊंगा. हैं, देखो, दीज नोट्स आर विद यू. मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा इस डायग्राम से. एक बात सुन ले, ओनली टू अंडरस्टैंड. सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, एंड राइट इन योर ओन सिंपल लैंग्वेज. राइट इन योर ओन सिंपल लैंग्वेज. देखो बेटा, ये आपने, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में रेयरली आता है, बहुत काम आता है. ठीक है, एक बात, यानी बहुत काम आता है ये. दूसरी बात, अगर आएगा भी तो ये आपने इसको समझना है, इसको ध्यान से जैसे मैं बोलूँगा वैसे लिखना है इसको. सिर्फ ये जो लिखा हुआ है इन लाइनों को रट्टा मत लगाते रहना, ठीक है. ओके, देखो बेटा, ये तो आपको मैंने समझा दिया था, ये स्फीयर्स हैं, ठीक है, और ये जो आपके स्फीयर दूसरे रो के जो हैं, दे आर प्लेस्ड बिलो द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट. ओके, ये इसकी डिप्रेशन, इसके जो थर्ड रो के स्फीयर जो हैं, दे आर ऑल्सो प्लेस्ड बिफोर बिलो द डिप्रेशन ऑफ द सेकेंड. ओके, ये हमने इसको मान लिया, ये स्फीयर हैं जिनका हमने नाम रख लिया ए ए स्फीयर. ओके, नाउ जहाँ तक बात क्लियर होगी. नाउ अब ये टू डायमेंशन है, इस साइड को ध्यान से सुनना बात, ये टू डायमेंशन है, इधर को डेवलप कर रहा है, इधर को डेवलप कर रहा है. अब हमने इसको ऊपर को डेवलप करना है, वी हैव टू डेवलप इन द अपर साइड. ओके, जब ऊपर यानी जेड एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, अब जी जेड में, जेड में अब हमने स्फीयर रखने हैं. ये एक लेयर बन चुकी है, इस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनानी है, ठीक है. वो जो दूसरी लेयर बनाने हैं, एक तो ये है कि हम इसके जो दूसरी लेयर के स्फीयर्स हैं उसको हम पहली लेयर के स्फीयर के ऊपर रखें. इधर मेरी बात समझ रहे हैं, जो पहली लेयर के स्फीयर हैं दूसरी लेयर के स्फीयर उसके ऊपर रखें. तो ये वाली जो पैकिंग है ये पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर है, होती नहीं, ठीक है, क्योंकि जब स्फीयर के ऊपर स्फीयर रखते हैं तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता, ठीक है. और दूसरी, ये दैट इज नॉट, ये नॉट, दैट इज इनकरेक्ट. इधर भी लिखा मैंने कि पहला ये चांस लिया हमने कि जो दूसरी लेयर के स्फीयर जो हैं वो फर्स्ट लेयर स्फीयर के ऊपर रखे, लेकिन ये वो स्टेबल नहीं है. अब दूसरा है कि ये जो पहली लेयर बनी है, देख रही है आपको, इसमें ये बाइड है बेटा, हैं, ये बाइड है, ये बाइड 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 बाइड, ये भी बाइड है, ये सारे बाइड जो हैं वो एक जैसे हैं बेटा, जरा ध्यान से, ये सारे बाइड एक जैसे हैं. इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इस बाइड में और इस बाइड में भी कोई फर्क नहीं है, इस बाइड में और इस बाइड, ये कोई फर्क नहीं है, ऑल आर सेम. लेकिन हमने अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने एक लेयर को बी कह दिया और दूसरे को, एक लाइन को, लेयर नहीं, एक लाइन को बी कह दिया, दूसरे को ए, फिर बी, ये ए, ये हमने अपनी और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, याद रखने के लिए लिखा है, अदरवाइज इनमें कोई फर्क नहीं है, ये वाइड एक जैसे हैं. तो पहली के बी, दूसरे के ए, अब ये आपका पहली लेयर हो गई. अब मैं दूसरी लेयर के जो स्फीयर हैं, मेरे पास दो चांस, दो तरीके हैं, या वो जो स्फीयर जो है वो मैं बी के ऊपर रखूं या ए के ऊपर रखूं, ठीक है, सुन रहे मेरी बात, वो स्फीयर मैं या बी के ऊपर रखूं या ए. ये अगर आप एक स्फीयर भी ए पर रख दोगे, अब सारे के सारे दूसरी लेयर के स्फीयर ए पर ही आएंगे,
अगर आपका पहला स्फीयर जो है वो बी पर रख दोगे तो सारे के सारे दूसरी लेयर के जो स्फीयर है वो बी बाइड पर आएंगे, ए पर, ए खाली रहेगा। देखो ये मैंने इधर लिखा है, ये मैंने किसके ऊपर रखा, ए, ये डॉटेड है ए के ऊपर रखा, ये फिर दूसरा नेचुरली ए पर आ गया, देख लो ये ए पर आ गया, और जो ए, ये ए पर आ गया, तो बी आपका ये खाली रह गया बेटा, ये बी खाली रह गया, ये बी खाली रह गया, ये बी अब खाली रह जाएगा, ये ए के ऊपर रखा, ये बी खाली रह जाएगा, ये खाली रह जाएगा, ठीक है। दूसरी ये एक लेयर, ये सेकंड लेयर के ये पहली रो बनाई है हमने और उसके स्फीयर कहाँ रखे, ए के ऊपर, ठीक है। अब दूसरी रो जो बनानी है सेकंड लेयर की, उसको भी हमने जो पहली रो के स्फीयर हैं उनको फर्स्ट रो के जो डिप्रेशन है उसके नीचे रखना। डिप्रेशन कहाँ है, ये देखो इधर रख दिया, ये डिप्रेशन है इसके नीचे रख दिया, ये डिप्रेशन है इसके, और थर्ड के भी क्या रखोगे, वो ही डिप्रेशन के नीचे। यानी पहली लेयर के जो स्फीयर हैं, सेकंड लेयर के जो स्फीयर हैं, और जो फर्स्ट एज बनाया हमने उसके जो स्फीयर है हमने ए पर रखे। अब जब हमने इधर दूसरी स्फीयर रख रहे हैं तो वो भी बेटा ए पर ही आ रहे हैं, ए ए अकोपाइड जो हो रहा है, जो कवर हो रहा है वो ए ही हो रहा है। अगर ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप बी पर रख दोगे तो सारे के सारे बी अकोपाइड हो जाएंगे, ए ऐसा रह जाएगा। ये आपकी सेकंड लेयर बन गई। दोबारा सुनो, ये पहली लेयर बनी है, दूसरी लेयर के स्फीयर हम वाइड ए के ऊपर रख दिए हैं, वाइड होता है ना बेटा, वाइड ऐसा उसके ऊपर स्फीयर फिट बैठता है, स्फीयर की शक्ल आप समझते हो है, बांटा कांचे होते हैं उस तरह से, तो ये उसके ऊपर फिट बैठ गया। जब हम सेकंड रो के स्फीयर रखते हैं सेकंड रो के, तो वो डिप्रेशन पे रखने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बेटा वो भी ए पर आएंगे, ठीक है, दे आल्सो कम एट ए, ठीक है। और ए इसमें भर गया, बी खाली रह गया। अब देखो सेकंड लेयर बन गई। नाउ ध्यान से सोचना, अब नए एक नया वॉइड बन गया, ये सी वॉइड, ये सी वॉइड, ये जो वॉइड जो मैंने डी लिखा है ये बेसिकली बी वॉइड था, इसके नीचे बी वॉइड था है, उसके ऊपर एक और वॉइड बन गया। देखना ये नीचे इसके बी वाइड था लेकिन उसके ऊपर एक और नया वाइड बन गया, दैट आई एम राइटिंग विद डी। तो यानी सेकंड लेयर पे अब दो किस्म के वाइड आ गए, सी तो नया बन गया, जो डी है आधा जो इसके नीचे वाइड है इन तीन का वो तो पहले वाला है, ऊपर नया बन गया, ये दोनों वाइड एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, बड़े हो गए हैं, और उस जो जुड़े हुए हैं उनको हम डी वाइड कह रहे हैं, ठीक है। और ये आपका ए बाइड, ठीक है, ए बाइड के ऊपर तो रख लिया, तो नाउ यू आर गेटिंग टू न्यू बाइड, सी बाइड और डी बाइड, समझा गी, ये सी बाइड है और ये डी बाइड है। जो सी बाइड है उसको कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, चार बेटा, एक बेटा ये नीचे है जो फुल लाइन है और ये तीन ऊपर है, चार टच कर रहे हैं। सी बाइड को हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं क्योंकि इस वॉइड को चार टच कर रहे हैं, एक नीचे से एक तीन ऊपर से। ये जो डी वॉइड है इसको हम ऑक्टेट्रल वॉइड कहते हैं, मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा इसकी, इसको हम ऑक्टेट्रल वॉइड कहते हैं, क्यों, इसके तीन नीचे हैं बेटा ये कंप्लीट लाइन वाले और तीन ऊपर हैं। ये वॉइड जो है सिक्स को टच कर रहा है, तो आपको मालूम है जब फोर को टच करे तो वो टेट्राहेड्रल बनता है, जब सिक्स को करे तो वो ऑक्टाहेड्रल बन, तो दो किस्म के वॉइड बन गए आपके पास, ये टेट्राहेड्रल और ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी, और जो सी भी टेट्राहेड्रल है लेकिन ए जो है वो नीचे है वो भी टेट्राहेड्रल है, वो नीचे इसको तीन नीचे से कर रहे हैं एक ऊपर से कर रहे हैं, और ये सी जो है तीन ऊपर से कर रहे हैं एक नीचे से कर रहे हैं। सी बाइड और ए बाइड दोनों अब एक जैसे हैं, ये भी टेट्राहेड्रल है ये भी टेट्राहेड्रल, लेकिन डी बाइड जो है ये डिफरेंट है, इसके तीन नीचे हैं तीन, इसको सिक्स टच कर रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड लेयर बन गई, ध्यान से सुन ली बात, यू गेट द सेकंड लेयर। नाउ अब हमने थर्ड लेयर बनानी है, बड़ा ध्यान से इसको डायग्राम बनाओ घर पे हैं, और इधर से लाइन पढ़ते भी जाओ,
और उसको कंपेयर भी करते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ, लेकिन अब मैं नहीं चाहता आप इसको रट्टा लगाएं, जस्ट इसको अंडरस्टैंड, जस्ट अगर पहले तो बात है एग्जाम में आता नहीं, अगर आएगा भी तो आपको सिंपल डायग्राम डालने का और एक लाइन लिखनी है, ज्यादा से ज्यादा 10-15 लाइन लिखनी है जो इसको जैसे आप एडजस्ट कर रहे हैं। अब देखो तीसरी लेयर, तीसरी लेयर के जो वाइड्स हैं, ये पहली लेयर के जो सफियर हैं वो सपोज कर लो ए हैं, और जो दूसरे लेयर के जो सफियर्स हैं मैंने लिखा नहीं, सपोज कर लो वो बी हैं। ये एनसीईआरटी से ना डायग्राम देखना, वहां उसने ना कलर डायग्राम बनाई है, और आपको और ज्यादा क्लियर होगी, समझाइए मेरी बात, और ज्यादा क्लियर होगी। अब थर्ड लेयर के जो सफियर्स हैं उसके दो तरीके हैं रखने के, जहां तो वो सी बाइड के ऊपर आएगा, ए तो है ही ना, ये तो कवर हो गया, जहां वो सी बाइड के ऊपर आएगा या डी पर। अगर सी पर रखोगे तो डी खाली रहेगा, अगर डी पर रखोगे तो सी खाली रहेगा, जैसे पहले हुआ था ए बी वाला। तो अगर आप सी बाइड के ऊपर रखते, जरा ध्यान से देख रहे हो, सी बाइड, सपोज आपने सी बाइड पर रख दिया, पहले आपकी लेयर कौन सी थी, ए, ए लेयर थी, ए सफेयर थी, पहली लेयर के सफेयर क्या थे, ए, दूसरी लेयर के सफेयर हम क्या कह रहे हैं, सपोज बी है, यानी पहली लेयर के सफेयर जो है वो ए है, दूसरी लेयर के सफेयर जो है वो क्या है, बी है। अब जो तीसरी लेयर के सफेयर हैं, अगर आप इसके ऊपर रख रहे हो, किसके ऊपर, ये किस बाइड के ऊपर, सी बाइड के ऊपर है, ये ए तो है ही नहीं ना, ये कवर्ड है, सी बाइड के ऊपर रखोगे, अगर सी बाइड के ऊपर रखोगे तो जो तीसरी सफियर के जो सफियर, तीसरी लेयर के जो सफियर आएंगे वो बिल्कुल, तीसरी लेयर के जो सफियर आएंगे वो बिल्कुल पहली लेयर के ऊपर आएंगे। देखो डायरेक्ट नहीं टच कर रहे, पहले एयर है, बीच में दूसरी लेयर का स्फीयर आ गया, और तीसरे तीसरी लेयर का स्फीयर, लेकिन तीसरी लेयर का जो स्फीयर आ रहा है वो एग्जैक्टली पहली लेयर के ऊपर आ रहा है, मेरी बात समझे, वो एग्जैक्टली पहली लेयर के ऊपर आ रहा है, इसलिए हम कह, जब ए था पहले फिर बी था, दोबारा क्या बन गया, ए, क्योंकि वो एग्जैक्टली किसके ऊपर आ रहा है, पहली लेयर पर, फिर नेक्स्ट इसको कहते हैं ए बी सॉलिड बेटा, इसको बोलते हैं ए बी हेक्सागनल, हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागनल क्लोज पैकिंग है इसको, ए बी हेक्सागनल। अब मैंने जो थर्ड लेयर का सफेद है उसको डी के ऊपर रखा, जब मैं बेटा डी के ऊपर रखूंगा तो वो सी खाली रह देंगे, डी पर आएगा। देखो मैं अगर ध्यान से देखना, इधर डी के रखूंगा, इसके नीचे कोई सफेयर नहीं आ रहा, इसके सारे जो थर्ड लेयर के सफेयर रखोगे वो उसके नीचे कोई नहीं आएगा, तो इट विल बिकम ए बी सी सॉलिड, इसको बोलते हैं हेक्सागनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए हमने एक को हेक्सागनल कहा है, एक को क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहा, और मैंने याद रखना है जिसमें सी आ गया वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, समझाए, जिसमें सी वर्ड यूज हो गया वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो गया, मेरी बात समझाइए। तो ये आपका, ये देखो ए बी सॉलिड, ए बी और ए बी सी जो बनता है हेक्सागनल है, और ए बी सी जो बनता है क्यूबिक क्लोज। ये बड़ा कंसंट्रेट करके आपको डायग्राम को देखना है, और जो मैं बोल रहा है इसको बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है, फिर आपको बात समझाएगी। तीसरा, अब देखो ये जो सॉलिड बनाए हैं, जरा ध्यान से देखना, सपोज मैं ये एक वर्ड है इसमें हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बेटे, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर, ये इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको कहते हैं नंबर ऑफ सफियर्स, नंबर ऑफ सफियर्स टचिंग, टचिंग टचिंग टू ए पर्टिकुलर सफियर, पर्टिकुलर सफियर इज कॉल्ड एज ए कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ सफियर टचिंग टू ए पर्टिकुलर सफियर। देखो मतलब क्या है इसका,
इसका मतलब ये है बेटा, ये स्पोज सफियर है, स्पोज इसको कितने टच कर रहे हैं, ये तीन टच कर रहे हैं, लेट इसको ये तीन टच कर रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका थ्री। अगर ये सफियर है तो सपोज इसको ये फोर टच कर रहे हैं, दूसरे फोर टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, फोर। अगर ये सफियर है इसको सपोज दूसरे जो हैं वो सिक्स टच कर रहे हैं, थ्री, ये फोर, ये फाइव और ये सिक्स, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, सिक्स। ये जो हमने हेक्सागनल या क्यूबिक क्लोज पैकिंग इधर पढ़ रहे हैं, इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 है बेटा। मैं अभी आपको बताऊंगा ये कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे। देखो, ये सपोज मैं इसको लेता हूं, ये आपको स्फीयर दिख रहा है ना, दिख रहा है ये कंप्लीट लाइन वाला है, इसको कितने टच कर रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, उसको ये पांच छह टच कर रहे हैं, छह टच कर रहे हैं, छह, अरे तीन ऊपर से कर रहे हैं, एक, दो, तीन प्लस थ्री, अरे जब नीचे भी तो ऊपर को आ रहे हैं तो नीचे को भी तो जा रहे हैं, तीन नीचे को टच कर रहे हैं, इसको जैसे ऊपर तीन टच कर रहे हैं और छह अपनी लेयर में टच कर रहे हैं और तीन अपर्स में, तो टोटल कितने हो गए, 12। इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, मेरी बात समझेंगे, इसको है ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 12 है। और अब मैं आपको बता रहा हूं ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड जो है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ये आपका एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, उसको ये ऐसे हैं, ये चार हो गए, चार ये वॉइड है, इसको चार टच कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल में क्या आता है, ये तीन ऐसे हैं और तीन इसके ऊपर उल्टे पड़े हुए हैं ऐसे, और ये वायर जो है तीन नीचे और तीन को ऊपर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वायर। ओके, इतना ही खत्म करते हैं बेटा, फिर लंबा हो जाएगा। ओके।